जब बात आती है स्टाइलिंग की तो विंटर सबसे बढ़िया सीजन है स्टाइल में रहने के लिए, क्योंकि इस सीजन में हम जो मर्जी चाहें अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन जब बात आती है स्किन की तो इस सीजन में स्किन की बैंड बच जाती है, क्योंकि विंटर में स्किन रूखी सूखी ड्राई और बेजान हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फेस ग्लो नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपको 4 ऐसे विंटर स्किन केयर टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप विंटर में भी आपकी स्किन ग्लो कर और आपके फेस पर ब्राइटनेस भी रहे। और सच में विंटर स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स इंक्रीज द सेल्फ। सबसे पहली टिप, हफ्ते में एक बार स्क्रब जरूर करना, क्योंकि भले ही हम फेस वॉश से अपने फेस की सारी गंदगी पसीना धूल मिट्टी को निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ गंदगी हमारे फेस के ऊपर फिर भी रह जाती है, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन आ जाता है, जिसके वजह से हमारी स्किन ग्लो नहीं कर पाती। लेकिन फेस को स्क्रब करने से हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर से डेड स्किन हट जाती है और हमारा फेस दोबारा से ग्लो करने लगता है। इसीलिए अगर आपको विंटर में क्लियर ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपने फेस को स्क्रब जरूर करना। अब वैसे तो फेस को स्क्रब हफ्ते में एक दो बार करना चाहिए, बट विंटर में आप हफ्ते में एक बार ही अपने फेस को स्क्रब करना, क्योंकि विंटर में मॉइस्चर थोड़ा कम होता है, जिससे हमारी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए अगर आप हफ्ते में एक बार ही अपने फेस को स्क्रब करेंगे तो वो बहुत है आपके फेस के लिए। लेकिन हाँ, एक ही बार करना, लेकिन करना जरूर। दूसरी टिप है कि जब भी आप धूप में घर से बाहर निकलो तो अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन लगाकर जरूर निकलना। बहुत से लड़के ये गलती करते हैं कि वो समर्स में तो सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन विंटर में बिल्कुल भी सनस्क्रीन नहीं लगाते। वो ये सोचते हैं कि सनस्क्रीन को सिर्फ समर्स में ही लगाया जाता है और विंटर में सन हमारी स्किन को डैमेज नहीं करता। और अगर आपकी भी यही सोच है तो आप बहुत गलत कर रहे हो अपनी स्किन के साथ, क्योंकि चाहे सर्दी हो या गर्मी, धूप हमेशा हमारी स्किन के लिए ख़राब होती है। ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती है, इसलिए जब भी आप धूप में घर से बाहर निकलो तो सनस्क्रीन को लगाकर निकलना अपने फेस पर। तीसरी टिप है, विंटर में चाहे कितनी भी सर्दी हो लेकिन आपको कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पीते तो इसी की वजह से हमारी स्किन रूखी सूखी बेजान हो जाती है और इसी के कारण हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्योंकि देखो, पानी हाइड्रेशन का काम करता है, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, जिससे हमारे फेस पर ग्लो रहता है। बट अगर हम दिन भर में इनफ पानी नहीं पीते हैं तो हमारे फेस से हाइड्रेशन कम होने लगता है, जिससे हमारा फेस बेजान रूखा सूखा रंगने लगता है। इसलिए दिन में 2 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना, अगर 4 नहीं तो कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर ही पीना चाहिए। चौथी टिप है लिप से रिलेटेड, क्योंकि लिप का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपकी स्किन कितनी भी क्लियर और ग्लोइंग क्यों ना हो, बट अगर आपके होंठ फटे हुए रूखे सूखे लगेंगे तो आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। इसलिए विंटर में लिप का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि विंटर में हमेशा होंठ कितने फटते हैं। और अपने लिप्स के साथ बहुत से लड़के ये गलती करते हैं कि जैसे उनके लिप्स थोड़े से रूखे सूखे फटने लगते हैं तो वो अपने लिप्स पर जीभ लगाने लगते हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, क्योंकि हमारे थूक में सलाइवा होता है और लिप्स को चाटने से ये हमारे लिप्स को बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देता है, जिससे लिप्स बहुत ही जल्दी जल्दी फटने लगते हैं। क्योंकि आपने ये नोटिस भी किया होगा कि लिप्स को चाटने के बाद तो कुछ देर तक तो लिप्स अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रूखे सूखे और फटे हुए लगने लगते हैं। इसीलिए आपको जब भी आपके होंठ रूखे सूखे लगें तो आप उनको चाटना मत, बल्कि अपने पॉकेट में एक छोटा सा लिप बाम रख लेना, ताकि जब भी ज़रूरत पड़ने पर आप उसको अपने होठों पर लगा सको। तो यार, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब।